गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये देखिए कल मैंने आप लोगों को उ अक्षर के बारे में बताया था, ठीक है, कि उसको कैसे लिखा जाता है और उ अक्षर से कौन कौन से शब्द होते हैं। उ से होता है ऊँट और उ से होता है ऊँट और उ से होता है ऊँट बिलाओ और उ से होता है उलझा, ठीक है। तो उ शब्द को कैसे बोला, उ अक्षर को कैसे बोला जाता है लंबा खींच के, ठीक है, कैसे ऊ, ठीक है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, ऊँट ऊद बिलाव ऊर्जा, इस तरह से इसका उच्चारण करेंगे उ अक्षर का, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए डॉट्स पे मैंने उ अक्षर को राइट कर रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रेस करेंगे। तो इसी डॉट्स पे आपको पेंसिल चलानी है, जैसे मैंने आपको बताया था राइट करने के लिए वैसे ही राइट करना है। पहले हम एक कर्व बनाएंगे और फिर उसके नीचे एक और कर्व बनाएंगे सेम टू सेम, और इसको हल्का सा टर्न करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, ठीक है। और इसके पीछे भी हमें एक कर्व बनाना है इस तरह से, ऊपर स्लिपिंग लाइन, ओके। वंस अगेन देखिए, एक बार फिर से एक कर्व बनाएंगे, फिर उसके नीचे एक कर्व बनाएंगे और हल्का सा टर्न करते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे, और दोनों कर्व के बीच में से हम एक कर्व इस तरह से नीचे की ओर बनाएंगे, ठीक है, जैसे पूंछ होती है ना उस तरह से आपको बनाना है ऊपर स्लिपिंग लाइन। तो इस तरह से आप डॉट्स पे अपने पेरेंट से पहले लिखवा लीजिएगा, फिर उसको ट्रेस कीजिएगा, ठीक है। डॉट्स पे ही आप लिखने की कोशिश कीजिएगा, और जितनी बार आप राइट करेंगे लिखेंगे उतनी बार आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कौन सा अक्षर है, ऊ, तो इसको लंबा खींच के बोलना है, ठीक है, ऊ इस तरह से, ठीक है। तो हो गया आपका ऊ। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊ अक्षर वाले गोले में रंग भरो। अब यहाँ पे आपको ढूंढना है कि ऊ अक्षर कहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए एक यहाँ पे लिखा है ना, ये छोटा ऊ है ऊ, और ये ऊ है, ये बड़ी है, यहाँ आ है। तो हमको कहाँ पे कलर करना है, जहाँ पे बड़ा ऊ लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ लिखा हुआ है इस वाले गोले में, तो इसको हम कलर करेंगे। मैं पेंसिल से कर रही हूँ, आप अपने कलर से इसमें कलर करेंगे, ठीक है, सुंदर सा, कि इससे बाहर ना जाए गोले से बाहर, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऊ अक्षर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अक्षर लिखा है, ऊ, तो ऊ वाले अक्षर में ही हमको कलर करना है गोले में। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने ये कलर कर दिया है, तो आप लोग भी इस तरह से अपने क्रेयन से कलर करेंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये अक्षर है, तो इसमें कलर नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप वर्क करके सेंड करेंगे, ओके, डू इट।